नमस्कार साथियों, सीबीबी कला आईटीआई गुरु में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप आईटीआई कर रहे हैं और सीबीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप जो है ऑनलाइन सीबीटी एग्ज़ाम की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जुलाई में आपका एग्ज़ाम होगा, तो उससे पहले अगर आप कभी कंप्यूटर नहीं चलाए हैं तब भी आप जो है उसे अच्छे तरीके से सीबीटी एग्ज़ाम को कवर कर पाएंगे। तो आज दोस्तों इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ कि सीबीटी एग्ज़ाम की प्रैक्टिस कैसे करें या फिर जो है उसकी शुरुआत कैसे किया जाए, ताकि जो हमें जब एग्जाम हॉल में बैठे तो हमें आसानी से जो है उसको कर पाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको आ जाना है अपने क्रोम ब्राउजर में, और यहां पे देखिए मैंने लिखा है एससीबीटी ऑनलाइन सीबीटी एग्जाम, ठीक है, एनसीबीटी ऑनलाइन सीबीटी एग्ज़ाम आपको इस पर ये सर्च करना है। जैसे सर्च करेंगे तो आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पे ये ऑफिशियल साइट जो है यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ये देखिए ऑफिशियल साइट यहाँ पे ओपन हो चुका है, ncbtonline.com ये ऑफिशियल साइट है, बिल्कुल सही, और आईटीआई स्टूडेंट के लिए है ताकि यहाँ पे आप अपना प्रैक्टिस कर सकें। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया आईटी ऑनलाइन सीबीटी एग्जाम ऑल ट्रेड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एनसीबीटी ऑनलाइन। तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों जब अगले पेज पर आप आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, नीचे आएंगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी एग्ज़ाम जो है यहाँ पे आप प्रैक्टिस करेंगे। आगे नीचे आएंगे तो आपको सभी जो ट्रेड हैं वो आपको ट्रेड मिल जाएंगे। जैसे देखिए इलेक्ट्रीशियन का सीबीटी एग्ज़ाम यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन का है। इसके बाद यहाँ पे देखिए फिटर का है, इसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का है, इसके बाद कोपा का है, यहाँ पे देखिए मैकेनिक मोटर व्हीकल का है, वेल्डर का है, वायरमैन का है, मैकेनिक डीजल का है, ड्राफ्ट्समैन सिविल का है, MRAC का है, ऐसे आपको सारे ट्रेड ट्रनर का है, यहाँ पे सब कुछ, यहाँ पे मास्टरनिस्ट वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। तो चलिए एक करके देखिए, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन को ही ले लेते हैं, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों जब पेज ओपन हो जाएगा तो आपके सामने नीचे आना आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है, यहाँ पर नीचे आ जाएगा ना तो यहाँ पर दिखाई देगा ITI इलेक्ट्रीशियन सीबीटी एग्ज़ाम डेमो एग्ज़ाम है 2022 का है, ठीक है। आप यहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको तरीका नहीं पता है कैसे एग्ज़ाम होता है तो यहां पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए यहां पे फर्स्ट ईयर का दिया गया है, यहां पे सेकंड ईयर का दिया गया है। तो अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो फर्स्ट ईयर पर क्लिक करेंगे, अगर सेकेंड ईयर पर तो सेकेंड ईयर पर क्लिक करेंगे। वैसे नीचे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा इलेक्ट्रीशियन का 2021 का दिखाई देगा, और यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट लिंक है जो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। PDF वगैरह यहाँ पे यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसके बाद उसमें नीचे आएंगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पे चलिए फर्स्ट ईयर का करके देखते हैं। यहाँ पे जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर से नया पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए ओपन हो चुका है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे सीबीटी एग्ज़ाम का। तो नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे दिखाई देगा आपको इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, ठीक है, फर्स्ट ईयर का, इंग्लिश में करना चाहते हैं, हिंदी में करना चाहते हैं, या फिर बंगाली इंग्लिश हिंदी यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए यहाँ पे हिंदी करके देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए हिंदी दिया गया है, तो स्टार्ट टेस्ट लिखा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है इसको क्रॉस कर देंगे, आपके सामने नया पेज ओपन हो जाएगा। ये दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको नीचे दिखाई देगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे डेमो स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे देखिए टाइमिंग स्टार्ट हो चुका है, 120 मिनट आपको मिलते हैं, और यहाँ पे देखिए 119 मिनट यहाँ पे बचा हुआ है, यहाँ पे वीसा चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से टाइमिंग दिया गया है यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो अभी आप करेंगे कंप्यूटर पर वो भी आपको इसे दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको टोटल क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाई देगा, जो है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का 50 क्वेश्चन यहाँ पर है, और यहाँ पर देखिए इसमें जो है आगे आएंगे तो यहाँ दिखाई देगा इलेक्ट्रीशियन जो है इसमें इम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का 25 क्वेश्चन, यानी 50 क्वेश्चन ये और 25 क्वेश्चन ये, टोटल मिला के कुल 75 क्वेश्चन होते हैं। आपको इसके लिए 120 मिनट आपको मिलता है, ठीक है। अब दोस्तों नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन यहाँ पे जैसे जैसे सेम क्वेश्चन पूछा जाता एग्जाम में वैसे क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। अब क्वेश्चन जो भी आपका यहाँ पे इससे पूछा गया कि इनमें से कौन सा प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है, तो अगर आपको आंसर पता है यहाँ पर आपको टिक करना होगा। जैसे मैं एक टिक कर दे रहा हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पे जैसे टिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे अगर आपको लगता है कि यहाँ पे क्वेश्चन गलती हो गया तो आप प्रीवियस क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे, नहीं तो अगर आपको आगे बढ़ना है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक कर देंगे। अभी सबमिट एग्जाम पर नहीं करना है, ठीक है, इस पर क्लिक अभी नहीं करना है। जब तक आपका पूरा 75 क्वेश्चन ना हो जाए तब तक आपको सबमिट नहीं करना है। इसके बाद सबमिट जब कर देंगे तो पूरा आपका रिजल्ट आ जाएगा, तुरंत आप अपना रिजल्ट भी दे सकते हैं कितना नंबर आपको मिला है। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे देखिए क्वेश्चन बदल चुका है,
यहाँ पे बताया गया है कि बिजली की मात्रा के लिए इकाई क्या है, तो यहाँ पे बिजली की मात्रा इकाई क्या है आपको आंसर आपको टिक करना होगा। तो यहाँ पे इस तरह से आगे करते हैं, देखिए क्वेश्चन ही बदल रहा है इस तरह से, 3 नंबर क्वेश्चन आ गया, सारे क्वेश्चन आप बदलते रहे, देखिए क्वेश्चन आ गया, 5 क्वेश्चन आ गया। तो इस तरह दोस्तों ये क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत ही कमाल का ये वेबसाइट है, यहाँ से जो है आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं और अच्छी खासी अपनी तैयारी को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह दोस्तों आई होप कि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा, कोई भी डाउट हो कमेंट करिए, आपका जवाब पूरा दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।